अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका केमिस्ट्री का प्रोफेसर इजाज़ साहब। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे क्वांटम नंबर्स, जिसमें से हमने तीन की बात कर ली थी। पहला क्या था हमारे पास, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो हमें क्या बताता है किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितने की इंफॉर्मेशन देता है, किसी भी एटम का साइज बता सकता है। सेकेंड हमने क्या बात की थी कि एजिमिथल क्वांटम नंबर क्या होता है। थर्ड और हमने बात की थी मैग्नेट क्वांटम नंबर। आज हमारे पास लास्ट उसी का टॉपिक है, उसको कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर की कब स्टडी की गई, ये इसकी एक बैक हिस्ट्री है या किन एलिमेंट्स के लिए हम इसको स्टडी करते हैं, वो हमारे पास है अल्केली मेटल। अब अल्केली मेटल क्या होते हैं कि ऐसे तो आप मेटल जिसके वैलेंस शेल पे एक इलेक्ट्रॉन होगा उसको अल्केली मेटल कहते हैं। अगर इसे बाद में कौन से एलिमेंट है, लिथियम है, कौन सा एलिमेंट है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है। फ्रांसियम हमारे पास रेडियोएक्टिव होता है, उस चीज में हम बात नहीं करते उसकी। तो अगर अल्केली मेटल की बात करें, ऐसे तमाम एलिमेंट जिसके वैलेंस शेल पे एक इलेक्ट्रॉन होगा उसको कहते हैं अल्केली मेटल। उसकी वजह क्या है, उसके ऑक्साइड्स पानी के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, बेस डेवलप करते हैं, जिनकी पीएच क्या होती है, मोर देन 7 होती है। अब हुआ क्या कि जब वो इलेक्ट्रॉन को हमने एक्साइट की एनर्जी प्रोवाइड की, उसने क्या किया, ग्राउंड स्टेट से वो एक्साइटिंग स्टेट की तरफ मूव कर गया। जब किसी पार्टिकल को हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और ग्राउंड स्टेट से किस तरफ मूव करते हैं, एक्साइटेड स्टेट की तरफ। जब वो इलेक्ट्रॉन अगेन कम बैक किया है कहां से, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ, तो उसने एक खास रेडियस लिमिट की है जो उसने एब्जॉर्ब की थी। उस रेडियस का जब हमने स्पेक्ट्रम लिया, जिसको क्या कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम, रीजन क्या है कि एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है और वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एनर्जी रिलीज करके आ रहा है, एनर्जी एमिट करके आ रहा है। उसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का हमने क्या किया, स्पेक्ट्रम लिया। उस स्पेक्ट्रम को क्या कहते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं स्टूडेंट। जब उसी एमिशन स्पेक्ट्रम की हमने क्या की, एक हाई रिजॉल्विंग इंस्ट्रूमेंट स्पेक्ट्रोमीटर, ऐसा स्पेक्ट्रोमीटर जिसकी रिजॉल्विंग पावर क्या है, मैक्सिमम है, बहुत ज्यादा है, एक छोटी से छोटी लाइट के ऊपर स्कैटर कर देता है। जब उसकी वजह से हमें स्टडी की तो हमारे पास क्या आ गई, एक पेयर ऑफ लाइट्स आ गई। पेयर ऑफ लाइट को हमने क्या क्या कह दिया, ये फर्दर स्प्लिट हो गया अपने छोटी छोटी लाइट्स के अंदर, दैट इट कंसिस्ट ऑफ ओनली पेयर्स, टू पेयर्स के ऊपर। इसको से हमने इसको क्या नाम दे दिया, डबलेट लाइट स्ट्रक्चर। ये सिर्फ हमें कहां पता चला, अल्केली मेटल की बेस के ऊपर। अल्केली मेटल की बेस के ऊपर हमने क्या डिफाइन कर दिया कि एक हमारे पास और क्वांटम नंबर भी होता है जिसका नाम क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर, और इसको किस तरह लिखते हैं, स्मॉलेस्ट लाइट। अब ये इलेक्ट्रॉन डुप्लेक्स स्ट्रक्चर कैसे देते हैं, जब एनर्जी एमिट करते हैं तो 1945 करते हैं गोर स्मिथ और री मैच एक साइंटिस्ट गुजरे हैं, जिन्होंने क्या किया है, क्या देखा, एनालिसिस किया। जो इलेक्ट्रॉन है किसी ऑर्बिट के अंदर, सपोज ये न्यूक्लियस है हमारे पास, ये ऑर्बिट है, ये इलेक्ट्रॉन मिले, अब हमने क्या बात की, इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में न्यूक्लियस के मूव भी कर रहा है और अपने एक्सिस के रोटेट भी हो रहा है। बस देट इज कहने का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन ना सिर्फ अपने ऑर्बिट में मूव करता है बल्कि अपने एक्सिस के भी मूव कर रहा होता है। इस सेल रोटेशन को कहते हैं हम इसको, कि अपने एक्सिस की भी है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में ऑर्बिट के मौजूद ऑर्बिट के गिर्द मूव क्या कर रहा है, इवॉल्व कर रहा है। अब वो इवॉल्व कैसे कर रहा है, ये हमें बताते हैं कि ऑर्बिट के अंदर रोटेट भी कर रहा है, अपने एक्सिस की मूव भी कर रहा है, जिसे हम उसको क्या कहते हैं, सेल्फ रोटेशन कहते हैं। कि इलेक्ट्रॉन की ना सिर्फ ऑर्बिट में बल्कि अपने एक्सिस की मूवमेंट को क्या कहते हैं, सेल्फ रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जब इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस की मूव करता है, वो द्रव्यमान की मोशन हो सकती है, एक हमारे पास होती है क्लॉकवाइज मोशन होती है और दैट माइट बी एंटी क्लॉकवाइज, तो उसमें क्लॉकवाइज मोशन भी हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज मोशन भी हो सकती है। अब देखते हैं कि ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मोशन क्या जनरेट करते हैं, हमारे पास मैग्नेट फील्ड या मैग्नेट मोमेंटम कास्ट करते हैं। अब वो मैग्नेट फील्ड मैग्नेट मोमेंटम कैसे कास्ट करते हैं, ये हैपन लगाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड पुश का होगा हाफ नेगेटिव, अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज तो मैग्नेटिक फील्ड पुश का होगा हाफ पॉजिटिव। इसका हाफ नेगेटिव हाफ पॉजिटिव को क्या करता है, कैंसिल
फॉर्म करते हैं तो इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट के अंदर, सपोज ये s सबशेल, s सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन दो एग्जिस्ट कर सकते हैं अपोजिट रोटेशन के साथ, ये अट्रैक्शन शो कर रही है। अगर ये बल क्लॉकवाइज है, ये बल प्लस के एंटी क्लॉकवाइज, ये नेगेटिव हाफ, ये क्या प्लस हाफ, तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं। दो इलेक्ट्रॉन में क्या चार्ज होता है, नेगेटिव, और नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल इकट्ठे रहते हैं, उसकी रीजन क्या है, डियर स्टूडेंट्स, ये दो क्या हमारे पास स्पीड पॉइंट नंबर। नेक्स्ट नंबर पर टॉपिक है, उसका नाम क्या है, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। अगर ऑर्बिटल की हम शेप्स की बात करें, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ऑर्बिटल है कितने, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे स्टडी के मुताबिक हमारे कितने ऑर्बिटल एग्जिस्ट करते हैं, फोर ऑर्बिटल्स। कौन से हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी एंड एफ ऑर्बिटल। एस पी डी एफ ऑर्बिटल की वैल्यू का पता कैसे चला, ये एक्सप्लेन किया एज ए म्यूचुअल पॉइंट नंबर ने। जी स्टूडेंट, अगर एल की वैल्यू हमारे पास 0 है, सबशेल की बात करेंगे, अगर एल की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, वाट आ गया, पी सबशेल की बात करेंगे, अगर एल की वैल्यू हमारे पास 2 आ गया, किसकी बात करेंगे, डी सबशेल की, अगर एल की वैल्यू हमारे पास 3 आ गया, किसकी बात करेंगे, एफ सबशेल की। आया कि हमारे पास 4 टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं, सबशेल होते हैं, जिसको हम किस नाम से पुकारते हैं, एस पी डी एंड एफ। उनकी वैल्यू ऐसे तो फटाफट करते हैं, हमारे सामने एक्सप्लेन करते हैं, एल की वैल्यू 0 होगी एस सबशेल, एल की वैल्यू 1 होगी पी सबशेल, एल की वैल्यू 2 होगी डी सबशेल, एल की वैल्यू 3 होगी वो क्या होगा, एस सबशेल, सॉरी एफ सबशेल होगा। आगे हमारे पास होते हैं शेप ऑफ एस ऑर्बिटल, कि एस ऑर्बिटल की शेप क्या होगी, आप उसके अरेंजमेंट देखेंगे, शेप देखेंगे। एस ऑर्बिटल हमने पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, वो किस शेप में एग्जिस्ट करता है, स्फेरिकल शेप होती है, और जो हम किससे जाया करते हैं, एक सर्कल से जाया करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास एस सबशेल है या एस ऑर्बिटल है, उसको हम किससे जाया करते हैं, स्फेरिकल बॉडी है हमारे पास, सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन है उसकी, और जो एस सबशेल है या एस ऑर्बिटल है, उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर। जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ेगी, साइज ऑफ एस ऑर्बिटल क्या होगा, बढ़ेगा, साइज ऑफ पी ऑर्बिटल बढ़ेगा, साइज ऑफ डी ऑर्बिटल बढ़ेगा, साइज ऑफ एफ ऑर्बिटल बढ़ेगा, रेसिस्टेंस की एनर्जी बढ़ेगी। याद रखिए ये बात कि वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जितनी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ज्यादा होगी, उतना साइज ऑफ ऑर्बिटल क्या होगा, ज्यादा होगा, शेप की क्या रहेगी, स्फेरिकल ही रहेगी। ये हमारे पास है एट वन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये हमारे पास क्या है एट टू, ये एट वन का क्या होता रहेगा, वन एस, एट टू क्या रहेगा, टू एस। ये सुन, ये के हमारे पास स्फेरिकल है, टू एस के हमारे पास क्या है, स्फेरिकल है। 1s को स्फेरिकल कह रहे हैं, 2s को स्फेरिकल कह रहे हैं। 1s किसके लिए, k शेल के लिए, 2s किसके लिए, l शेल के लिए, कि जिसका हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ी है, साइज ऑफ ऑर्बिटल क्या हो रहा है, बढ़। ऐसा ऑर्बिटल क्या होता है, हमारे पास स्फेरिकल होता है, जहां न्यूक्लियस से हर पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन के पैजन की कैपेसिटी या प्रोपेलर की क्या होती है, सेम होती है। अब एक प्लेन वो है, ये रीजन जहां हमारे पास कहीं पे इलेक्ट्रॉन मौजूद है, दो ऑर्बिटल के दरमियान वो स्पेस जहां इलेक्ट्रॉन मौजूद ना, उसको हम कहते हैं नोडल प्लेन या नोडल सरफेस कहते हैं। सुन बात समझ आई, नेक्स्ट हम करते हैं पी सबशेल। अब पी सबशेल क्या होता है, कि ऐसा सबशेल जिसकी शेप क्या होगी, डबल होगी, हाँ, और ये क्या होगा, इसकी वैल्यू 3 होगी फॉर मैग्नेटिक पार्ट नंबर, मतलब के m is equal to 0 plus minus 1 के p सबशेल के लिए, p ऑर्बिटल के लिए हमारे पास मैग्नेट की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है, वो सी 0 plus 1 negative 1। इनकी अरेंजमेंट क्या होती है, स्पेस के अंदर होती है, p एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस एंड एक्स एक्सिस के ऊपर की अरेंजमेंट होती है, स्पेस ओरिएंटेशन होती है, इसको कहते हैं थ्री फोल्ड डिजिटल ऑर्बिटल भी कहते हैं, कब जब बेनिफिट की गारंटी की हम बात करेंगे। अगर इसके हम शेप की बात करें, शेप क्या होती है, डबल शेप होती है, पी एक्सिस की एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस की डॉट कर के जी एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस डॉट कर के जी एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के जी एक्सिस,
एक हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर एक्सिस करते हैं, पी एक्स को क्या करते हैं, एक हमारे पास वाई एक्सिस का डबल शेप है, एक हमारे पास जी एक्सिस का इसको कहते हैं एक्सियल एक्सिस या ऑर्बिटल, एक्सियल ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो तीनों काम होता है एक्सिस के ऊपर मौजूद है। जैसे अब हम देखते हैं कि हमारे पास डी सबशेल क्या होता है या डी ऑर्बिटल्स क्या है। अगर डी ऑर्बिटल की बात करें तो उसकी वैल्यू हमारे पास बैटरी ऑर्बिटल में कितनी आती है, 5। जैसे वो 5 कैसे आती है, n = 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, जिसको किससे ऐड करते हैं, स्मॉल n से ऐड करते हैं। अगर इसके ओरिएंटेशन की हम बात करते हैं, ये हमारे पास किस पे एग्जिस्ट करते हैं, स्पेस ओरिएंटेशन, मतलब क्या, 3 डायमेंशन होती है, x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस की मौजूदगी में होंगे, ये प्लेन के ऊपर लाइन नहीं करते। अब हमारे पास कितने इसकी 5 वैल्यू है। अब 5 क्या है, dxy dyz dzx dx2 एंड dz2। जैसे ये हमारे पास 5 डिजिटेड ऑर्बिटल्स है, किसके, d ऑर्बिटल्स के, d ऑर्बिटल के अंदर फर्दर हमारे पास 5 सब कंपोनेंट हम कह सकते हैं। अब इसके बात करें 5 है, 5 टाइम जो फर्स्ट 4 है dx में dyz dx dz square y square एंड क्या dz square। अब इनको हम कैटेगराइज करते हैं दो एक्स प्लेन में, एक वो फर्स्ट थ्री वो है जिसका जो लोब एग्जिस्ट करता है बिटवीन एक्स एग्जिस्ट करता है, सेकंड टू जो है जिसके लोब एग्जिस्ट करते हैं किसके ऊपर, ऑन द एक्सिस बेटा, इसको आप कहते हैं इंटर एक्सियल ऑर्बिटल्स। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इंटर एक्सियल ऑर्बिटल्स, और ये क्या हो जाएंगे एक्सियल ऑर्बिटल। मतलब क्या हुआ, इनके जो लूप्स हैं तो एक्सिस के दरमियान जो प्लेन है उसको एग्जिस्ट करते हैं, ये किस पे अपने एग्जिस्ट करते हैं एक्सिस के ऊपर, इस वजह से हमको नाम दे एक्सियल ऑर्बिटल। इसको क्या कहते हैं, इंटर एक्सियल ऑर्बिटल, इंटर स्पेस एक्सियल ऑर्बिटल भी कहते हैं हमको। अक्सर हम देखते हैं कि इन तमाम चीजें क्या नहीं है, सिमिलर नहीं है, बल्कि क्या है, डिफरेंट है, नॉट आइडेंटिकल, एक जैसे नहीं है। कैसे जैसे नहीं है, देखिए जो हमारे पास फर्स्ट फोर है dxy dyz dz x dx square minus y square consists of four loops, क्या है के four loops exist करते हैं। four loops का मतलब क्या है, suppose ये हमारे पास x axis है, ये हमारे पास y axis है, z axis perpendicular है, उसका ग्राफ ही करते हैं, ये हमारे पास four loops बन जाएगी। के x y प्लेन के दरमियान हमारे पास फोर लूप बने, एक दो तीन चार, इसकी भी चार लूप बनती है, इसकी भी चार लूप, इसकी भी चार लूप, बिटवीन द एक्सिस d x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की भी चार लूप बनती है, लाइक उसकी किसके ऊपर बनती है, एक्सिस के ऊपर बनती है। डियर स्टूडेंट्स ये याद रखना, d x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की भी फोर लूप्स हैं, लेकिन किस पे बनती है, वो एक्सिस के ऊपर बनती है, फर्स्ट थ्री सेकंड ये थर्ड, क्योंकि लूप का बनते हैं बिटवीन द लाइंस बनते हैं, बिटवीन द प्लेन्स बनते हैं। लास्ट वाला हमारे पास है dz स्क्वायर, ये हमारे पास किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इसके टू लूप्स बनते हैं, और ये होता भी क्या है, एक्सिस के ऊपर होता है, ये हमारे पास एक्सिस है, सपोज के z इज इक्वल टू z एक्सिस, तो ये इससे एग्जिस्ट करेगा एक सर्कल। स्टूडेंट्स इस बात को याद रखना कि हमारे पास x इक्वल स्क्वायर रूट से हो सकते हैं, डिजिटेड ऑर्बिटल की डेफिनेशन पूछ सकते हैं, डिजिटेड ऑर्बिटल सब सब क्यों कहते हैं, उनकी स्पेस ओरिएंटेशन कैसी है, ये हमारे पास आज का टॉपिक है, और ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे कुछ भी रह सकते हैं। स्पेशल हमारे पास सेल्फ व्हाट इज सेल्फ रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, के इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल की मूव करते हैं, अपने एक्सिस की भी मूव करते हैं। यहां तक हमारा एंड होता है चैप्टर 5, नेक्स्ट हम मूव करेंगे चैप्टर 6 के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।